मौसम सरमा की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह मीरपुर माथेलों में भी अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। महंगाई से परेशान शहरी कहते हैं कि बच्चों को आप नाश्ते में क्या खिलाएं। दुकानदार भी महंगाई से मायूस नजर आते हैं। बादी बख्श बलोच की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा अपनी नवीद सुनाने लगा। मुल्क भर की तरह मीरपुर माथेलों में भी अंडों की मांग में इजाफा हो गया। अंडों की मांग बढ़ते ही उनके रेट भी आसमान को छू गए। अंडों की फी दर्जन कीमत 360 रुपए तक जा पहुंची। दुकान में सजे ये अंडे शायद अब गरीबों के लिए नहीं रहे। शहरी कहते हैं बच्चों को सर्दी में नाश्ते में अंडे खिलाते हैं, लेकिन अब इस महंगाई से हम कैसे निपटें? अंडे खरीदना मुश्किल हो गया है। अंडा जो है बच्चों के लिए नाश्ते में मुफीद होता है और उसमें प्रोटीन भी है। अभी इसका रेट जो सुना तो हमारा कान खुल गए। हम अंडे जो है सर्दी में भी बच्चों को खिलाते हैं, सुबह नाश्ते में जब स्कूल जाते हैं तो भी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अंडों का रेट जो है कम करके तो गरीब को जो है रोटी खा सके। दुकानदार भी सूरत हाल से खुश नहीं। उनका कहना है कि अंडे बच्चों के लिए प्रोटीन की फराहमी का जरिया है। तलब और असद के फर्क की बिना पर अंडों की कीमतें बढ़ रही हैं। हुकूमत को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। हम तो कहते हैं सस्ता अंडा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे खाएं, प्रोटीन है। हम तो हमारी यही कोशिश होती है कि रेट कम से कम हो। हमारी भी हुकूमत से अपील है कि रेट इसके कम रखे जाएँ ताकि हर बच्चा हर आदमी खा सके। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत दीगर अशिया और अंडों की बढ़ती कीमतों की रोकथाम के लिए इकदाम अमल में लाए। कैमरा टीम के साथ हादी बख्श बलोच, बोल न्यूज, मीरपुर माथेलो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।